भाई सचिन भाई भी चढ़ चुके हैं अब। ये बताओ भाई किसकी कवर है? ये भाई मेरी एक्स की कवर है। ये भाई उसके बॉयफ्रेंड की। ये देख लो भाई बंदे ने कटिंग कहाँ से कर दी यार, पूरा का पूरा क्रैश हो गया यहाँ। ये अलग ही है भाई। ओहो इतना हैवी भाई, मेरी बाजू अभी थक गई है पूरी की पूरी, बहुत हैवी है यार इसका हैंडल। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो भाई दीपू का फ़ोन आ गया था, वो भी पहुंच गया है, वो पहले ही उतर गया भाई बस से। तो देखते हैं कहां जैसे वो एंड चलते हैं उसको लेने, अभी ज़्यादा पीछे तो होगा नहीं। एंड दीपू भी भाई पहुंच ही गया है, देखो सामने बड्डे बॉय आ गया भाई। ओह दीपू क्या हाल है? सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे भाई दीपू। भाई जो भी बंदे देख रहे विश करेगा इसको सब हैप्पी बर्थडे लिख देना कमेंट में। आज ले जाएंगे हम आपको कब्रिस्तान में, नई नई चीजें भाई देखने को मिलेंगी। और यहाँ तो भाई बहुत गंदा हाल है, बड़ा गंदा है यार। बस आ गई। अरे 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 भाई MMU की बस है और चुनली कोलैब कर रखा भाई इन दोनों ने। हाँ उस टाइम पे निकलना बहुत मुश्किल था। गाड़ी वाले को तो गुजरी स्कूटी बाइक वाले पे। एक तो ये गिल्ला हो गया भाई, गिर गया ना कोई ऐसे टाइम पे। मॉर्निंग में ही आ गए भाई हम, देख लो मौसम कैसा है। बट स्पेशली भाई सब्सक्राइबर्स के लिए आए हैं आज व्लॉग बनाने, तो सब्सक्राइब करो भाई, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते हम। देख लो बारिश लगने वाली है, इतनी ठंड में भी आ गए भाई। भाई इसने मोशन पूरा बिगाड़ दिया है हमारा। अभी करते हैं इनको पीछे, वो भयंकर है। शुक्र है ओवरटेक किया नहीं। यहाँ करेंगे जहाँ पे हमें क्लियर दिखेगा भाई थोड़ा आगे। निकल गए हैं भाई यहाँ से। ओ भाई यहाँ पे हो रखा है भाई, ये कहाँ से काट दी इस बंदे ने। ओ भाई भाई ये कहाँ घुस गया यार। ये देख लो भाई बंदे ने कटिंग कहाँ से कर दी यार, पूरा का पूरा क्रैश हो गया यहाँ भाई। ये ना गोल मोड था, यहाँ से काटना चाहिए था इसको, इसने भाई पूरा यहीं से काट दिया। पूरा का पूरा लोड ही है भाई, बहुत शॉर्टकट काट दिया बंदे ने, इतना शॉर्टकट भी नहीं रखता भाई। ये देख लो हर बंदा यहाँ से काटता है यार साइड से घुमा के, इस बंदे ने बहुत ही शॉर्टकट ले लिया। और इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से कटेगी, जीरो पॉइंट वाली साइड यार, धुंध बहुत ज्यादा है। दक्षाई में तेको पता है रास्ता? हाँ मेरे को पता है। तो भाई आज हम आपको ऐसी जगह दिखाने वाले हैं ना, वहाँ मैं अभी नहीं गया हूँ, दीपांशु को पता है। दीपांशु क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या है वहाँ पे दक्षाई? और ऊपर म्यूजियम भी एक। तो भाई वहाँ पे आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, एंड फ्री फायर वाला ग्रेवयार्ड भी भाई देखने को मिलेगा, एंड चर्च भी मिलेगा भाई। दो ग्रेवयार्ड है, दो ग्रेवयार्ड है भाई, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई। उसमें बंदे अलाउड नहीं है, पर फिर भी हम जाएंगे। हाँ वहाँ पे अलाउड तो है नहीं भाई, बट जाएंगे हम, ऐसी चीजें देखने का भाई शौक है मेरे को, कुछ नया करते हैं। वहाँ पे ना गेट में लॉक लगा रहता, हम गेट के ऊपर से गए एक बारी, भी जाएंगे आज के भाई। राइड के साथ साथ आज आपको यूनिक चीजें भी दिखाते हैं। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं कुमाटी। यार ये वाला बोर्ड बहुत गंदा है। यहाँ से कितना टाइम लगता है? यहाँ से लगेंगे 20-25 मिनट। बट सबसे पहले तो हम कटिंग कुटिंग करवाते हैं दीपांशु की, गौरव भी आ जाएगा। तब तक गौरव सौरव जो भी आ रहा है भाई वो भी आ जाएगा। ऊपर वाली साइड जाए इधर। अच्छा तो कटिंग के लिए चलते हैं भाई, सबसे पहले करवाएंगे दीपांशु की कटिंग एंड उसके बाद चलेंगे। पुलिस वाले नहीं दिखे कहीं? है नहीं शायद आज। उसके बाद अपने साथ वाले बंदे भी आ जाएंगे भाई, जो भी आने हैं। बता दियो मेरे को शॉप कहाँ है यार, दुकान तो बंद ही दिख रही। अबे
अब भाई यहाँ तो शॉप ही बंद है। ये देख सैलून भाई लगा दे ऊपर को कहाँ लगा दे यहाँ पे को। भाई अब जा रहा है दीपांशु मुल्लों के पास तो चल चलते हैं भाई मुल्लों के पास करवाते हैं इसकी कटिंग। एंड रास्ता भाई मेरे को भी नहीं पता भाई इन ग्लव्स ने ना क्या हाल कर रखे हैं वो दिखाता हूँ मैं। शायद ना निशान पड़ गए होंगे। खोलते हैं इसको देखते हैं क्या हो रहा है। ओ भाई ये देखो रेड रेड ही है भाई। एंड होने देते हैं भाई दीपांशु की कटिंग फिर करते हैं स्टार्ट व्लॉग तो की होगी कटिंग। और हम आ गए हैं भाई खा पी के चाउमीन बढ़िया कटिंग करो भाई बंदे की चेक। और हैप्पी बर्थडे विश करना नहीं भूलना भाई इसको हैप्पी बर्थडे लिख देना। एंड अपने साथ है भाई अभी गौरव एंड NS है गौरव के पास और मेरे पास है एंटॉर। तो अभी चलते हैं डकशाई भाई वहाँ में आपको ना ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे। अब तो इसमें टायर भी मोटे भाई अब लग रही है सही। साउंड करो भाई चेक NS की। वाओ दोनों टायर न्यू भाई। हाँ देखो ऐसे बंदे भाई हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया एक बोलने भी दे देते क्या फैन ऑन कर लेना। ये फैन है अच्छा इसको करना है। चलो NS की पावर देखते हैं भाई। यार मेरे को बहुत अजीब लग रही भाई इतना भाई क्या लग रही है फैन का साउंड ये लग दे रही यार ये तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही भाई ये गिरा सकती यार। शिट 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 भाई रिस्की है भाई इसको चलाना बहुत रिस्की है भाई। जितना सोचा था ना वैसी नहीं है चलने के लिए भाई। ओ भाई 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 इतनी बाइक्स चलाई ना मैंने बट NS ये अलग ही है भाई। ओहो इतना हैवी भाई मेरी बाजू अभी थक गई है पूरी की पूरी बहुत हैवी है यार इसका हैंडल। ओ शिट शिट भाई इसको नहीं कर पाऊंगा यार मैं कंट्रोल। फर्स्ट बाइक है भाई इसको नहीं कर सकता मैं कंट्रोल ना इसका क्लच का आइडिया लग रहा है यार। शिट 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 भाई ऊपर पहुंचा दूं इसको फिर नहीं चलाता भाई यार मैं। एक तो धुंध की वजह से ना कुछ दिख भी नहीं रहा है हैंडल बहुत भारी यार इसका। एक तो मेरे को आइडिया भी नहीं लग पा रहा कहाँ इसकी ब्रेक है कहाँ क्या है क्योंकि सारी चीज़ें खराब है इसकी। और उठती तो भाई ऐसे है ना जैसे बिल्ली मार के फेंक देगी ऊपर नीचे खुद ही घूम रही है भाई ये ओ भाई मैं पूरा जंप कर रहा हूँ भाई इस पे सस्पेंशन भी इतने खराब है यार इसके भाई ये पता नहीं कैसे चला लेता यार गौरव। मैंने सोचा था भाई NS चलाऊंगा बट ये भगाने लायक है नहीं भाई इसको कोई मतलब 30-40 से ऊपर मैं चला ही नहीं सकता भाई इसको। ओए रे भाई आउट ऑफ कंट्रोल जा रही यार बहुत गंदी है। वो यार मेरे को उठा के फेंक रही है भाई वो भाई भाई यार क्या ये भाई क्या ये ओ भाई तगड़ा ही स्कैम ओ भाई ये क्या यार वो पहन चोरी वो गिर जाऊंगा यार गिर जाऊंगा भाई मैं इसके साथ। ओ भाई ये मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जा सकती यार जिधर भाई मैं ले जा रहा हूँ उधर बिल्कुल नहीं जा रही है अपनी मर्जी से इधर से उधर जा रही है भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड ऊपर भाई हॉन्टेड चीज़ें हैं
एंड वो क्या बोलते हैं जहाँ पे बंदे बंदे भाई मार के दफन करते हैं वो भी दिखाएंगे। एक तो इसकी ग्रिप नहीं है भाई, स्टेबल नहीं है ये रोड पे, तभी डर लग रहा है। ओए बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। यहाँ से भाई तब भी रोड ठीक आ गया, अब देखते हैं यहाँ कैसे चलती है। क्लियर रोड तो आ गया, हाँ यहाँ थोड़ी सही चल रही है भाई। एंड गौरव ने भाई फिल्टर निकाल रखा है इसका, जिस वजह से साउंड तगड़ी आ रही है इसकी। एंड ये है स्पीड ब्रेकर भाई। ये इतनी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जाती है, इधर उधर कैसे जा रही है इतनी? ये वाली साइड भारी लग रही है आपको? हाँ भारी भी बहुत ज्यादा है, हैवी। हाँ ये वाली यार हैंडल दिया हुआ है बंदे ने, ये हैंडल नहीं कर लिया। अच्छा उस वजह से हुई भी है। मैं सोचू मैं कहा है कैसे, बहुत अलग लगी, बहुत ही अलग कंट्रोल से बाहर। मैंने इतनी बाइकें चलाई पर इसकी कंट्रोलिंग सबसे अलग है। और फैन का क्या सीन था, ऑफ करना है? अच्छा अच्छा चलाते टाइम ऑन करना है। बाकी इसमें 4K है ना, ज़्यादा करता है ये शूट, मतलब रेंज ज़्यादा करता कवर। तुम ही चलो, हाँ तो चलते हैं यहाँ से। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही यार इधर भाई, व्लॉग करने के चक्कर में देख लो बारिश में कर रहे हैं व्लॉग, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना। एंड गौरव ने बताया कि इसका हैंडल ना बंदे ने सही नहीं बैठा रखा है, इसका हैंडल खोला था भाई किसी मैकेनिक ने, उसके बाद से ऐसी दिक्कत कर रही है। अब की चारों इंडिकेटर कहाँ से चलते होंगे इसके, है भी या नहीं? ओ शिट यार पूरा शूज ना भाई गिल्ला हो गया। शिट यार शिट, क्या कुछ नहीं कर रहे भाई व्लॉग्स के चक्कर में हम। ओ यार पूरा वाइजर पे भाई पानी पानी आ गया है, कुछ दिख नहीं रहा आगे, तभी भाई गड्ढे में जा रही है एकदम से। एक भाई गिर ही गया था। ये क्या सीन है, यहाँ पे गिरने ही वाला था यार, गिरने ही वाला था। जैसे उबड़ खाबड़ है ना कहीं कहीं रोड, हल्की सी ढलान थी यहाँ रोड में और मैं नीचे कोई चल गया। हम हो गए श्रिंक। ओह भाई बहुत गंदा बज गया। तो भाई अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको क्या सीन है यहाँ। भाई ये देखो बंदे रिस्क लेके जा रहे हैं, अंदर एंट्री नहीं है बट आप लोगों को अंदर दिखा के रहेंगे कि कैसा व्यू है। बाकी मैं कैसे आऊंगा भाई यहाँ से, सचिन भाई भी चढ़ते हैं, चढ़ चुके हैं अब। भाई देखो व्यू यहाँ का है भाई, और कुछ वाला वैसे अलाउड नहीं हुआ हम चुपचाप ही आगे, क्योंकि ये लोकेशन दिखाने का भाई मैंने प्रॉमिस कर रखा था तुम लोगों से, तभी आगे। देखो भाई कपड़े, देखो कपड़े, ये बताओ भाई किसकी कवर है? ये भाई मेरी एक्स की कवर है। ये उसके बॉयफ्रेंड की, ये भाई उसके बॉयफ्रेंड की। भाई मेरे को ना धोखा देके मेरी बंदी ने धोखा दिया, फिर मैंने दोनों को मार के यहाँ दफन कर दिया भाई साथ साथ, पता है। एंड उनकी फैमिली वालों की भी है बट उनको मैंने रिस्पेक्ट से किया है थोड़ा दफन, वो देखो उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर रखी है मैंने, अच्छे से दफन किया। चलो नीचे ही आ जाओ, बाकी यहाँ पे मेरी एक्स की दफन की हुई मैंने, नाम है भाई सबके। बाकी ये है यहाँ की बाउंड्री, नीचे बस, बाकी तो अलाउड ही नहीं है भाई यहाँ, सिर्फ
जितने भी मेरे दुश्मन है ना भाई, सिर्फ उनकी कब्र है यहाँ पे। यहाँ तक दिखा दो एक बार, ज्यादा नहीं भाई, 12-13 कब्रें हैं वो भी मेरे दुश्मनों की। तो गाइस कब्रिस्तान आप लोगों को दिखा दिया है, देखना भाई। देखो एक कब्र के ऊपर तो भाई मैं खुद ही खड़ा हूँ, देखो यहाँ पे भी कब्र खुदी हुई है, एक दो की तो भाई नीचे गिरी हुई है। कब्र दिखाऊं, ये देखो भाई नाम नूम के साथ में, एंड गौरव यहाँ पे है, दीपांशु भी है साथ में, और ये सबसे मेन कब्र भाई जो कि मेरे एक्स के बूढ़े की है। अब भाई ये वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हम भी चलते हैं भाई अब यहाँ से।